आखिर क्या स्ट्रेटजी होगी मेकर्स की ए आर रहमान को हीरोपंती 2 के म्यूजिक कंपोज करने जैसी बड़ी जिम्मेदारी देने के पीछे? क्या खास होगा इस फिल्म में म्यूजिक लवर्स के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और बॉलीक्रैट स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। टाइगर श्रॉफ की सारी फिल्मों में हमें डांस या एक्शन तो देखने को मिलता ही है। वो ज्यादातर एक्शन फिल्मों में ही काम करना पसंद करते हैं और बाकी की फिल्में जो कुछ अलग होती हैं उनमें डांस या फिर किसी सुपर हीरो की कहानी होती है। पर हीरोपंती उनके लिए बेहद खास रही है क्योंकि ये उनकी डेब्यू फिल्म है। उनकी अब मानना ही पड़ेगा जो कि वो पूरे फिल्म रहते हैं, जैसे सबको आती नहीं। तो अब पता चला है कि हीरोपंती 2 में भी ऐसा कोई डायलॉग जरूर होगा। हीरोपंती 2 की खास बात यह है कि टाइगर हमेशा की तरह इसमें भी एक्शन करते दिखेंगे, पर इसमें वो कृति संग नहीं बल्कि तारा सुतारिया संग रोमांस करते दिखेंगे। आपको बता दें कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के फ्लॉप होने का पूरा क्रेडिट लोगों ने अनन्या पांडे की खराब एक्टिंग को दिया था और तभी से लोग तारा और टाइगर को एक साथ एक अलग फिल्म में देखना चाहते थे। आपको बता दें कि ये फिल्म इसलिए भी खास होगी क्योंकि वर्ल्ड फेमस एआर रहमान हीरोपंती 2 का म्यूजिक कंपोज करेंगे। आपको बता दें कि ये इस फिल्म को हिट करने की एक बड़ी स्ट्रेटजी भी हो सकती है। फिल्म में हमेशा की तरह बस एक्शन रहने वाला है और ऐसे में दर्शकों को फिल्म तक खींचने का फिल्म मेकर्स का बहुत ही अच्छा तरीका था और वो था फिल्म का म्यूजिक। और उन्होंने अब यही जिम्मा एआर रहमान को सौंप कर जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाई है। आपको बता दें कि तारा सुतारिया मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। उन्हें एक्टिंग के अलावा काफी अच्छा डांस और गाना गाना भी आता है। बहुत आई गई यादें। और यही कारण है कि वो सोनी के मशहूर शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा में भी नजर आई थी। आपको बता दें कि वो हीरोपंती 2 में टाइगर की लव इंटरेस्ट की भूमिका निभाएंगी और वो इसमें एक्शन भी करती दिखेंगी। श्रद्धा कपूर के बाद अब ये एक्ट्रेस भी टाइगर के ऑपोजिट एक्शन करती नजर आएंगी। अभी हाल ही में हीरोपंती 2 के ऊपर भी कई आरोप लगने शुरू हो गए। दरअसल हीरोपंती 2 का पोस्टर काफी हद तक हिटमैन के पोस्टर से मिलता जुलता है और इसीलिए दर्शकों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि हीरोपंती 2 के मेकर्स ने हिटमैन का पोस्टर कॉपी किया है, या यूं कहे कि हिटमैन के पोस्टर को रिक्रिएट किया है। ऐसी कंट्रोवर्सी से फिल्म को कभी कभी नुकसान भी होता है तो कभी कभी फायदा भी होता है। एक बार तो दर्शक इस कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म देखने चले जाते हैं और कई बार लोग इस कंट्रोवर्सी को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि फिल्म को पूरी तरीके से बॉयकॉट करने लग जाते हैं और ऐसे में फिल्म को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, एआर रहमान को हीरोपंती 2 का म्यूजिक कंपोजर बनाकर फायदा मिलेगा फिल्म को? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को।